आज से कोई भी काम आपको लगे, सामने वाला व्यक्ति है और वो नहीं करता पर आपको लगता उसे करना चाहिए, तो एक छोटा सा वर्ड लियाओ, क्या? हाँ जी, किसी भी काम से पहले अगर आपने लगा दिया तो आप सामने वाले को ये कहना चाहते हो कि काम तो आपको करना चाहिए। जैसे उसको लगा, उस व्यक्ति को लगा कि मुझे वार्म वाटर पीना चाहिए, तो मेरे लिए अब उस व्यक्ति के लिए मैं क्या था? यू सर यहां पे बोले यू शुड टेक वार्म वाटर। पूरा बोल के दिखाई सर, क्या शुड आपके दिमाग में आ रहा है? Yes, sir. कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है सामने वाले व्यक्ति को करना चाहिए पर वो करता नहीं, और आप उसको सलाह दे, तो एक काम करो, क्या लगा लो? एवरीबडी यस या नो? पर ध्यान रखना बेटा, शुड अपने आप में समय दिखा देते हैं। शुड एक मॉडल है। शुड क्या? एक मॉडल। बहुत बड़े, फिर से बोलो, क्या एक मॉडल? और अगर एक मॉडल आ गया सेंटेंस में तो फिर वहां पर समय दिखाने की जरूरत नहीं। इसलिए जब भी कभी किसी सेंटेंस में मॉडल होगा तो वहां पर उसके बगल में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो दिमाग में डाली, फर्स्ट फॉर्म दो जगह आती है। एक तो उन कामों में आती है जो रूटीन से हो रहे मेरे साथ। सर कितनी प्यारी बात सिखा रहा हूं इंग्लिश की, आगे तक की प्रॉब्लम खत्म कर रहा हूं। सुनिए ना सर, फर्स्ट फॉर्म कहां आती है दिमाग में रखिए। एक तो वहां आती है जब बात रूटीन की, किन किन की चल रही हो, मेरी, आपकी, हमारी, हमसे अलग इन लोगों की, रूटीन से बात चली, पहली फॉर्म लगाओ। कमाल देखना सर, यहां पर आने वाली पहली फॉर्म खुद एक समय दिखाएगी। पर जब कभी भी किसी सेंटेंस में आप मॉडल को लगाना चाहो, सबसे पहली बात बच्चों के दिमाग में आता है मॉडल कब लगाते हैं। सर कितनी बार ऐसा होता है कि लोगों से हम बात करते वक्त उनको हम कामों को लेकर सलाह देते हैं, ताकत दिखाते हैं, संभावना दिखाते हैं। देखो कैसे, एक तो मैं ये बोलूं कि मैं यार इंग्लिश बोलता हूं, संडे देखना, एक तो मैं ये बोलूं मैं इंग्लिश बोलता हूं, ये रूटीन है मेरा, रोज करता हूं, सुनना, मैं इंग्लिश बोलता हूं, रूटीन है मेरा, वहीं पे देखो बोल सकता हूं, इंग्लिश नहीं पूछ रहा था आपसे, सुनिए मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अब मैं यहां क्या दिखा रहा हूं, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस काम को करने की ताकत मेरे अंदर है। अगला संदेश देखो, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब इस संदेश में मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं इस काम को करता हूं या नहीं करता हूं, पर मैं यहां पर यह दिखाना चाह रहा हूं कि ऐसा मुझे करना चाहिए। तो कई बार बहुत सारे कामों को लेकर हम सलाह दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, संभावना दिखाते हैं, तो उसके लिए हम अलग से शब्द लेके आएंगे, ताकत का, संभावना का, सलाह का, यस या नो? एवरीबडी यस या नो? तो वो जो अलग से शब्द आते हैं वो सारे मॉडल्स होते हैं। क्या होते हैं? हाँ जी, और मॉडल खुद एक काम करते हैं। देखो वो फीलिंग भी देते हैं सलाह की, ताकत की, संभावना की, पर साथ साथ समय भी दिखाते हैं। साथ साथ क्या दिखाते हैं? तो यानी कि जिस भी संदेश आपने गलती से क्या लगा दिया, नहीं मॉडल लगा दिया, जिस भी संदेश में आपने क्या लगा दिया, तो वहां पे समय दिखाने वाला काम हो गया ना। तो उसके साथ आने वाली वर्ब को फिर बदलने की जरूरत नहीं। वर्ब को बदलते क्यों है? समय दिखाने के लिए। वर्ब को बदलते क्यों है? समय, पर आपके मॉडल ने तो समय, तो वर्ब बदलने की। तो कोई भी आपसे इंग्लिश में पूछ ले कि मॉडल के बताओ, मॉडल के बाद बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो क्या करो, कौन सी आएगी बेटा? Are you sure or not? Yes, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. एक नई बात डाल दूं? Yes, अब देखिए नई बात अपने दिमाग में डालना, बड़े ध्यान से यहां पर देखिए। एक मैंने सेंटेंस लिखा आपके सामने, इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से फील करना। यू, बड़े ध्यान से देखना सर, यू स्पीक इंग्लिश, एक तो ये सेंटेंस देखिए, और एक सेंटेंस ये देखिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, You should speak English. दोनों सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है ना? पर यहां पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सीधा व्यक्ति से जोड़ा है। तो जब सीधी फर्स्ट फॉर्म व्यक्ति से जुड़ती है तो यह दिखाने की कोशिश करती है कि आप ऐसा करते हो। पर जब किसी मॉडल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म को जोड़ते हैं तो हम उस वर्ब के अंदर की फीलिंग को देना चाहते हैं। जैसे देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपको इंग्लिश बोलनी, तो बस कितना फर्क हो गया सर। एक बार दोबारा से बोलते, सर आप इंग्लिश बोलते हो तो कैसे बोलो, और आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए तो यू शुड स्पीक। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या इस सेंटेंस में समय दिखाने वाला वर्ड पहचान दोगे आप? Yes, बताओ कौन सा वर्ड समय दिखा रहा है? Sure. सुना नहीं बेटा? Sure. बताइए दोबारा से पूछ रहा हूं, कौन सा वर्ड समय दिखा रहा है? अरे श्योर? मैंने अभी भी कहा था, फिर कहता हूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपने लगा दिया, हाँ जी बेटा, तो क्या वो दिखा देगा? पक्का ना? और जब आपको टाइम दिखाने के लिए आपने कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब लगाया है, मिस कर गए, कोई नहीं, जब आप समय दिखाने के लिए अलग से लगाते हो कोई हेल्पिंग वर्ब या, तो उठा के उसे क्या करो और क्या बन जाएगा? हाँ जी क्या बन जाएगा? जैसे पूछ के देखो, शुड यू स्पीक, क्या आपको इंग्लिश बोलनी, क्या आपको इंग्लिश बोलनी? पर आपकी जब यहां पर वर्ब की सीधी फर्स्ट फॉर्म को आप व्यक्ति से जोड़ रहे हो,
जब आपकी फर्स्ट फॉर्म को सीधा व्यक्ति से जोड़ रहे हो तो मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या ये पहली फॉर्म यहां पर समय दिखा रही है? Yes, सुना नहीं बेटा? Yes, are you sure or not? Yes, क्या इसके साथ अलग से समय दिखाने के लिए वर्ब लगी? No, sir. तो अब क्वेश्चन कैसे करोगे? Do अब शुड लगाओगे डू लगाओगे? Do. पूरा पूछिए ना सर, कितने अलग अलग क्वेश्चन है। क्या आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए और क्या आप इंग्लिश बोलते हो? जब तक भाषा का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा कि सेंटेंस कैसे चलते हैं तो आप बोल नहीं पाओगे सर। तो बड़े ध्यान से सुनो, इस लाइन को कवर करना सब बच्चे। किसी भी सेंटेंस को अगर क्वेश्चन का रूप देना है तो तरीके हैं दो, या तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल मिलेगा। अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मॉडल है तो उठा के बाहर ले आओ, क्वेश्चन तैयार है। और अगर आपके वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मॉडल नहीं है तो वहां पे जरूर वो सेंटेंस तीन ही तरीके के होंगे, या तो रूटीन वाला फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का, या पास्ट वाला सेकंड फॉर्म का। ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन करना है तो वर्ब के अनुसार डू डस डिड में से एक वर्ब लेके आनी है। पहली फॉर्म दिखे तो डू, एस वाली दिखे तो डस, और सेकंड दिखे तो डिड।